नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, देखिए बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने पार्ट वन बना दिया है 1 से 10 तक। इस वीडियो में आपको 10 यानी 11 से 21 चैप्टर तक आपको बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ जिनमें से लगभग लगभग संबंधित आ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में वही, इसमें जो बोल रहा हूँ वही सवाल आए, उससे संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, यहाँ तक तो समांतर श्रेणी है, फिर यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी आपकी चालू हो गई है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन, देखिए गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करने को बोल सकता है, 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, संख्या थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, ठीक है। संख्या चेंजेस होना स्वाभाविक है मैथमेटिक्स में आपके, तो बिल्कुल कोई संख्या तो चेंजेस होना ही होना है। देखिए अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में, अगर देखिए मान लीजिए आपका सरल पेपर बनाना, तो ये 3 में से एक नए क्वेश्चन आ सकता है, बस यहाँ पर 7.77.7777 आ सकता है, सॉरी पॉइंट नहीं कॉमा है यहाँ पर, ठीक है। या प्लस भी कॉमा लिखकर आए तो भी चलेगा, और प्लस आए तो भी, संख्या यही रही नहीं, आप समझे कि और कुछ है, एन पदों का युगफल ही ज्ञात करना है, ये 0.4 बस ऐसा ही आएगा। अगर सरल पेपर बनेगा तो आपको ये, मैंने ये बोल इस साइड दी है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बने इसलिए मैंने ये भी दे दी है, ताकि आप ये भी कर लीजिए, ये भी आ सकते हैं, बट ये तो बिल्कुल फिक्स है, अगर नहीं आए तो इनमें से आ जाएगा। अगर आपको अगर सरल पेपर बनाना तो ये क्वेश्चन फंस जाएंगे इनमें से, ठीक है। इसके बाद चलिए गुणोत्तर श्रेणी आप देख लीजिए, देखिए बीच की दूरी एवं मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके जो प्री बोर्ड में दिए होते वो कर लीजिए प्री बोर्ड वाले, और बीच की दूरी संख्या आपको कोई भी दे सकती है, जैसे 2.2 ए बराबर आपको दिए और बी बराबर ऐसे 3.3, तो आपके बीच की दूरी आपने 10th क्लास में किए होंगे, और मान लीजिए सी बराबर और कुछ दिया हो 4.2, तो ये 3D में, वैसे तो 2D में पूछे जाएंगे, और 3D में दें तो 3D में भी आपको करना है बीच की दूरी और मध्य बिंदु भी, इनके कारण के कोई भी दे सकता है, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए इसके 2-3 से दूरी सदैव 5 इकाई है, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिए, ये मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए ब्लू प्रिंट देख लीजिए, इस प्रकार आपका पेपर बन सकता है, और इसी में से आएंगे थोड़े नहीं आ सकते, क्योंकि इसी, लेकिन क्वेश्चन जो इसी संबंधित आएंगे पेपर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको केंद्र त्रिज्या अगर समीवृत्त समीकरण पूछेगा, ठीक है, उस वृत्त के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र 02 तथा त्रिज्या 2 इकाई है, ठीक है। इस प्रकार आपसे पूछेगा, लेकिन मेन मेन क्वेश्चन ये है आपकी समांतर रेखा, और एक है लंब है, ठीक है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन जो प्रश्न वाले आपके चैप्टर में है ये आप जितने भी सवाल हैं सभी कर लीजिए, समांतर रेखा ये वाला पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार देख लीजिए, और इसमें देखिए क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें क्या क्या याद करना, ये जो इसमें दिया दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई या नाभियों के निर्देशांक शीर्ष तथा उत्केंद्रता, इसके भी बस संख्या चेंजेस हो सकती है, इस प्रकार आप इसमें कर लीजिए, ठीक है। और औसत प्रवल के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 2-0 हैं, और एक आपके यहाँ से मान लीजिए वायु स्क्वायर बराबर आपको 4ax कुछ दिया रहेगा, और उसमें आपको पूछेगा कि उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, नाभियों की लंबाई ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी याद कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख नहीं पाया तो इसको भी अच्छी तरह से कर लीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए ये प्लस में रहता है तो ये पॉजिटिव में, यानी एक्स एक्सिस इस साइड रहता है, और माइनस में तो बाई एक्सिस में रहता है, बस ठीक है। चलिए इस साइड आपके, अगर इसकी PDF डाउनलोड करना है, देखिए मैं लगभग लगभग कम से कम 3 या 2 बजे इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आपको 3 बजे तक इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि टाइम लगेगा PDF बनाने में, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कारणवश मैं PDF नहीं बना पाऊंगा, 3 बजे तक PDF मिल जाएगी आपको, तो PDF जरूर देंगे। अब ये लिमिट वाले सवाल नहीं, देखिए लिमिट आपको सवाल आना चाहिए, तरीका बस थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आपको ये दे देगा तो एक्सटेंस टू टू निकाल आपकी वैल्यू निकालनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सभी दे दिए हैं ये अच्छी तरह से। देखिए प्रथम विधि सिद्धांत से आपको कुछ भी सवाल दे सकता है कोई भी, लेकिन फिर भी ये आपको आया था वो मैंने लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए लिख दिया। और साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स का अवकलन करना है आपको, वैसे सभी आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से कर लीजिए। और ये देखिए अब आपके अवकलन यहाँ से शुरू हुआ है, ये लिमिट वाले सवाल थे कुछ, ये लिमिट वाले कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आपकी अवकलन स्टार्ट है। अब क्या यहाँ पर आपको सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो माध्य विचलन 2 नंबर में एक पूछा जाएगा, तो माध्य विचलन भी आपको अच्छी तरह की संख्या चेंजेस हो सकती है, जरूरी नहीं कि 12, 6, 7 यही मिल जाए सेम टू सेम, तो ऐसे नहीं मिलेगी, बस जो आपको माध्य विचलन करने का तरीका आना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आप देख लीजिए, ये 2 बंटनों के विचलन गुणांक माध्य विचलन अनुभव मानक विचलन क्रमशः 21 और 16 है, तो उनके माध्य क्या होंगे, ठीक है। मानक विचलन का कोई एक सवाल पूछ सकता है, क्योंकि कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सवाल नहीं लिखा है, आपको मानक विचलन निकालना आना चाहिए, आपको जो प्री बोर्ड में सवाल आया था वही कर लीजिए अच्छी तरीके से, और वही आ सकता है अधिकतर, और जो पिछले साल का पेपर कर लेंगे उसमें, ठीक है। और देखिए मैंने ये क्या प्रायिकता में से ओनली ताज के पत्ते वाला लिखा है, क्योंकि ताज के पत्ता कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको पत्ता ईंट का हो, यही पूछे, पान का पूछ सकता है, गुलाम का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, रंगीन पत्ते की प्रायिकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है।
और सिक्के वाले भी कर लीजिए, मैंने सिक्का वाला दे नहीं पाया है सिक्के, ठीक है। दो सिक्के को चालने पर प्राग तो कुछ भी पूछ सकता है, जो पीरियड का है तो वो तो आप कर ही लीजिए। ये लिख दिया एक्स परवल एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर बराबर माइनस नौवाई की नाभिक की निर्देशांक परवल लंबाई नेता की समीकरण और नाभिलंबी की लंबाई याद कीजिए। इसमें मैंने पार्ट टू में आपको ये फुल क्लियर करा दिया है, पार्ट वन नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल पर जाकर, क्योंकि पार्ट वन में मैंने 1 से 10 तक बताया है, तो इसमें मैंने 11 से 20 तक बताया है। इसमें से मैक्सिमम आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बस जरूरी नहीं कि ये आए, बस संख्या चेंजेस हो सकती है क्योंकि मैथमेटिक्स से संख्या चेंजेस होना स्वाभाविक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो देखिए दोस्तों 3 बजे तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 3 बजे तक आपको बिल्कुल पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो पीडीएफ भी आपको 3 बजे मिल जाएगी। पीडीएफ जरूर 3 बजे आपको डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।